हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूं इंटेल का कोर i5 13 जेन के साथ, जो कि आता है आसूस का वीवो बुक 15 सीरीज में। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका मॉडल का, तो यहां पे आप देख सकते हो K3504 VAB NJ542WS इसका मॉडल नंबर है। कलर जो सिल्वर है, अगर इसमें आप 41 लोगे तो वहां पे आपको क्विट ब्लू कलर मिल जाएगा। तो कलर का ऑप्शन है, आप चाहो तो जैसा कलर आप पसंद कर सकते हो। एंड साथ ही अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो यहां पे आप सारा कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके सारा डिटेल यहां पे आप चेक कर पाओगे। एंड साथ ही अगर मैं बात करूं इसका, तो इसमें आपको 3 सेल का बैटरी है, जो कि 42 वाट आवर का है, और विंडोज 11 प्लस MS ऑफिस इसके साथ आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए। साथ ही अगर मैं बॉक्स की प्राइस की बात करूं, तो 81 का इसका प्राइस है, बट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कितना में परचेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहां पे डब्बा को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि डब्बे के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लैपटॉप मिलेगा, जो कि इस टाइप का पैकेजिंग के साथ आता है। एंड साथ ही यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुअल वगैरह इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आसूस एंटी बैक्टीरियल गार्ड, यानी कि इसका जो बिल्ड है वो एंटी बैक्टीरियल है। साथ में यहाँ पे आपको ऑफिस दे रहा है, जो कि घर बैठे आप चाहो तो स्कैन करके जो है एक्टिवेट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे कुछ यूजर्स मैनुअल। एंड यहाँ पे आपको 2 बॉक्स मिलेगा इसके अंदर। एक बॉक्स की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपको पावर केबल दिया हुआ है। क्वालिटी वाइज काफी अच्छा पावर केबल यहाँ पे आपको मिलता है। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाले बॉक्स में, इसके अंदर आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडेप्टर 65 वाट का दिया हुआ है। पिन इसमें आपको नॉर्मल मिलता है। अगर मैं बात करूँ चार्जिंग टाइम का, तो अराउंड जो है 49 मिनट में 60% चार्ज होता है, और अराउंड 1 घंटा 20 मिनट में फुल जो है आपका लैपटॉप चार्ज होता है। और साथ ही अगर बैटरी बैकअप की बात करें, तो अराउंड आपका 5.5 से 6 घंटा यहाँ पे बैटरी बैकअप ये आपको दे देगा। सो बॉक्स के अंदर इतने सारे जो चीज मैंने आपको दिखाया है वो अवेलेबल है। एंड अब बात करें अगर लैपटॉप का, तो यहाँ पे आप लैपटॉप देख सकते हो, काफी खूबसूरत लैपटॉप है। कलर यहाँ पे आपका ये जो है सिल्वर कलर इसके अंदर है। और बात करें अगर वेट का, तो अराउंड 1.6 kg का इसमें आपको वेट मिलेगा, और लैपटॉप काफी थिन लैपटॉप है। एंड साथ ही जो अगर मैं बात करूं इसका बिल्ड का, तो इसके अंदर आपको मेटल बिल्ड यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये आसूस का वीवो बुक एक्स सीरीज का लैपटॉप है, के सीरीज का ये जो है आपका लैपटॉप है। तो काफी अच्छा यहां पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिलता है। आगे वाला जो लीड है वो पूरी मेटल लीड है, एंड बैक में भी यहाँ पे आपको मेटल बिल्ड मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैन वगैरह का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा इनलेट यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही इसमें आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, 4 वाट का पर स्पीकर है, और सोनी मास्टर का साउंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप रबर ग्रिपिंग वगैरह भी देख सकते हो, काफी बड़ा रबर ग्रिपिंग इसके अंदर आपको मिलेगा। तो एयर निकलने के लिए काफी अच्छा लैपटॉप है। यहाँ पे आपको आउटलेट इसके अंदर दिया हुआ है, जहाँ से आप एयर निकाल सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ थिकनेस वगैरह का, तो यहाँ पे आप थिकनेस वगैरह भी देख सकते हो, काफी अच्छा लाइट एंड थिकनेस यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो थिकनेस, यहाँ पे एक कटआउट है लैपटॉप को ओपन करने के लिए। एंड यहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड पोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट दिया हुआ है Gen 2। एंड यहाँ पे आपको सी टाइप मिलता है, 3.5 का ऑडियो जैक। यहाँ पे आपको 2 SSD मिलता है, इसमें आपको USB आपको मिलता है, जिसमें ये वाला आपका Gen 3 है। साथ में यहाँ पे आपको HDMI है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। सो लैपटॉप जो है यहाँ पे इतने सारे इसके अंदर आपको पोर्ट्स हैं। सो अगर लैपटॉप की मैं बात करूँ फ्रंट से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप का इसमें आपको लुक मिलता है। एंड साथ ही जो है और बात करें यहाँ पे बेस बॉडी के बिल्ड क्वालिटी का, तो यहाँ पे इसका भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी आपको मेटल मिलता है। साथ ही इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर है इसके अंदर, 13 जनरेशन आयरिस XC ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे आपको MS ऑफिस इसके अंदर आपको मिलेगा। टच पैड की अगर मैं बात करूँ, तो मल्टी गेस्टर सपोर्टेबल यहाँ पे टच पैड है, जिसके अंदर जितने भी गेस्टर्स हैं सारा यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है। और यहाँ पे काफी अच्छा जो है इसका आपको टच पैड भी है, स्मूथ है। एंड साथ ही जो है अगर मैं बात करूँ और भी फीचर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोनी मास्टर का स्पीकर इसके अंदर मिल जाता है, 180 का हिंच है, एंड नॉइस कैंसिलेशन है, मिलिट्री ग्रेड का बिल्ड क्वालिटी है। तो काफी कुछ फीचर्स इसके अंदर आपको दिया हुआ है। एंड अगर मैं हिंच का अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट 180 का यहाँ पे आपको हिंच इसके अंदर मिलता है, तो हिंच उस टूटने का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। एंड साथ ही मैं बात करूँ कीबोर्ड का, तो इसके अंदर आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस वाइज यहाँ पे आपको काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बैकलीड का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलाइट इसके अंदर दिया हुआ है और फुल साइज कीबोर्ड यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बाकी बैकलाइट इसके अंदर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड साथ ही जो है सेंटर में Asus VivoBook मेंशन है। और अगर मैं बात करूँ इसका एज का, तो इसमें नैरो एजल्स डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलता है और 84% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। साथ ही 720 का HD कैमरा विथ डुअल मैक और कैमरा शटर भी इसके अंदर आपको अवेलेबल है। और साथ ही जो है अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 60Hz का पैनल है और यहाँ पे आपको IPS लेवल डिस्प्ले है और साथ ही इसमें 45% NTSC यहाँ पे आपको मिलता है। सो आगे चल के वीडियो प्ले करेंगे और दिखाएंगे कि डिस्प्ले का कैसा आउटपुट रहने वाला है। सो सबसे पहले इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CPU का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेल का Core i5 13th Gen प्रोसेसर है, 1235U 10 Core का प्रोसेसर है, 12 MB का कैश मेमोरी और 12 का यहाँ पे आपको थ्रेड्स इसके अंदर आपको मिलेगा। रैम इसमें 16 GB है जिसमें आप 24 GB तक और अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज यहाँ पे 512 GB का NVMe Gen 4 सीरीज का SSD इसके अंदर आपको मिलता है और साथ ही इसमें आपको आइरिस XC ग्राफिक्स कार्ड भी मिलेगा जो कि 16 GB शेयरिंग मेमोरी के साथ मिलेगा। सो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन था। साथ ही अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको Wi-Fi 6 मिलता है और साथ ही ब्लूटूथ 5 इसके अंदर आपको दिया हुआ है। सो एक वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं इसका कैसा यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है। सो यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हो। बात करूं इसका कैमरा का, तो इसके अंदर जो है आपको 720 का HD कैमरा मिलता है। उसका भी मैं आपको क्लिक यहां पे आपको दिखाता हूं, तो यहां पे डिटेलिंग देख सकते हो, काफी अच्छा यहां पे जो है आपको डिटेलिंग मिलता है कैमरा का, 720 का HD कैमरा है। एंड अब फाइनली इसका बात करें अगर मार्केट प्राइस का, तो इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 5960 का रेंज है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। अगर उसमें आप कार्ड वगैरह लगाओगे तो और भी डिस्काउंट यहां पे आपको मिल जाएगा। सो ये था Asus का VivoBook 15X Core i5 13th Gen के साथ। साथ में इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी है एंड इसमें आपका होम सर्विस वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाएगा। साथ ही माइकाफे का एंटीवायरस भी दिया हुआ है कंपनी प्रीबिल्ड पहले से ही। सो अगर आपको एक 60 के रेंज में लैपटॉप चाहिए जो कि देखने में अच्छा हो, थोड़ा सा स्टाइलिश लगे एंड कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा हो, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।